तो गाइस पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको प्लांट विजिट करवाया। प्लांट में बहुत सारी बातें बताई कि प्लांट को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और बहुत सारी चीज़ें। ये हम उसी वीडियो का पार्ट टू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में A to Z कि प्लांट स्टार्ट करने मतलब लगाने से पहले से लेके लगाने के बाद तक का सारा प्रोसेस। कि आप प्लांट लगाना चाहते हो तो आपको क्या क्या ज़रूरतें होंगी, कि पेपर वर्क क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, A to Z हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अधूरा नॉलेज घातक साबित हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नया बिजनेस चालू करने के लिए जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सको, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मनीष जी से पूछूंगा कि अगर हमें 20 लीटर जार का छोटा सा प्लांट लगाना है, जैसा कि अभी जो मैंने प्लांट विजिट करवाया मनीष जी का, वो 1500 लीटर पर आवर कैपेसिटी का प्लांट था, तो अगर इस प्लांट को लगाना है तो हमें कितनी जगह की जरूरत होगी? तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जगह कितनी लगेगी इतना प्लांट लगाने के लिए। देखिए ये तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि हम लोग कितना लीटर का ये टंकी लगा रहे हैं और कितनी सारी टंकियां लगा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली मशीन के लिए 10 से 12 फीट का एरिया लगता है उसमें, तो मतलब कहा जाए तो एक कमरे जितना बड़ा रूम में या अपने रूम का जो अपने फ्लैट का जो हॉल होता है उतने बड़े रूम के जितना में हम लोग मतलब अपने घर के किसी एक कमरे या किसी एक हॉल जैसा जगह से हम शुरू कर सकते हैं। मतलब स्पेशली अगर हमारे पास जगह है तो हमें रेंट पर लेने की या ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जगह के लिए क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम आते हैं कि इस प्लांट को लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम अगर मेरे घर में कोई जगह है, अगर मैं अपने घर पे ही लगाता हूँ तो हमें जो बिजली का कनेक्शन होगा, क्या हम अपने घर का बिजली का कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके लिए हमें कॉमर्शियल लेना होता है? नहीं, घर का कनेक्शन यूज नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो डोमेस्टिक होता है, वो घर के यूज़ के लिए होता है। इसके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि ये बिज़नेस है तो हम घर पे लगाएं चाहे कहीं भी लगाएं, हमें बिजली का कनेक्शन जो होता है वो कॉमर्शियल ही लेना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और कॉमर्शियल का कनेक्शन का चार्ज जो होता है वो अपने एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए, सारे जगह का अपना अलग अलग होता है। तो ये चार्ज जो होता है वो हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आपको अपने एरिया में अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको पूछना चाहूँगा मनीष जी से कि पानी के सोर्स के लिए हम क्या करें, हमें बोरिंग करना ज़रूरी है या फिर हम सप्लाई का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली लोग कुछ लोग सोचते हैं कि जो सप्लाई वाटर आता है हम लोगों के घरों पे वो उससे हम लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट हम लोगों को ये मालूम है कि इंडिया में ये सप्लाई वाटर का क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इस बिज़नेस के लिए हम लोग वो सप्लाई वाटर पर डिपेंड ना रहे और हम लोग एक अच्छा बोरिंग करवा लें, डीप बोरिंग करवा लें, जिससे हमारा पानी का क्वांटिटी ना घटे। तो इस चीज़ पे आप मनीष जी के बातों से एक चीज़ समझ सकते हैं कि सप्लाई के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि आपका काम है रेगुलर, आपका काम ऐसा है कि सप्लाई पानी अगर ना आए तो लोग आपसे ऑर्डर करेंगे, तो सोचो अगर आप सप्लाई के भरोसे रहोगे तो आपका काम कैसे चलेगा। तो इसलिए आपका बोरिंग, आपका अपना पर्सनल बोरिंग होना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि प्लांट के लिए जितना डीप बोरिंग करवा सको तो बेहतर होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सप्लाई के ऊपर भरोसे सप्लाई के भरोसे नहीं रह सकते, अपना आपको अपना बोरिंग करवाना ही पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि प्लांट लगाने के लिए मशीनें कौन कौन सी चाहिए? देखिए इसके लिए बेसिकली हम लोगों का जो बोरिंग होगा वो तो होगा ही, उसके बाद हम लोगों को आर वाटर मशीन जो है जो उसमें मशीन प्योरीफाई होगा वो मशीन हम लोगों को चाहिए, बस आर ओ मशीन चाहिए। और मनीष जी ने बताया कि चिलर इन्होंने नहीं लगवाया है, तो अगर आप ठंडा पानी भी सप्लाई करना चाहते हैं चिल वाटर के लिए तो आर ओ मशीन के साथ आपको चिलर लगाना पड़ता है, वो आपका ऑप्शनल है। अगर आप ठंडा पानी सप्लाई करना चाहते हैं तो चिलर लगाइए, अदरवाइज़ आप बिना चिलर के भी प्लांट चला सकते हैं जैसा मनीष जी अभी चला रहे हैं। और अभी तो ठंडा का समय आ रहा है तो चिलर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना चिलर के ये पानी सप्लाई करेंगे और बेनिफिट अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको फिर जार्स में जार वगैरह मैंने दिखाया, पानी के टैंक वगैरह जो होता है, टंकी वगैरह जो होता है 1500 लीटर का, 1000 लीटर का, कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना स्टोर करके रख सके उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। और फिर बात करें जार का सप्लाई करने के लिए, तो जार दो तरीके का होता है, एक होता है चिल्ड वाटर के लिए जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है ये प्लेन वाटर का जो आप नॉर्मली प्लेन वाटर पहुँचाने के लिए काम आता है। दोस्तों छठे पॉइंट पर हम आते हैं कि जार के ऊपर जैसा देख सकते हो कि स्वीट वाटर का लेबल लगा रखा है उन्होंने, स्टिकर लगा रखा है दोनों जार पे। तो एडवर्टीजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो एक तरीका है ये जो इन्होंने अपना जार पे लगा रखा है स्टिकर। और एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या क्या करते हैं?
देखिए इस बिज़नेस में एडवर्टीजमेंट भी, एडवर्टीजमेंट का भी खास मकसद है, क्योंकि अभी जो अभी का जो सीज़न है वो बहुत सारे लोग इस प्लांट को करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चे में स्टार्ट हो जाता है और इसमें बेनिफिट भी अच्छा खासा है। तो सभी अपना अपना अलग अलग तरीका अपनाए हुए एडवर्टाइजमेंट करने का, बट मेरा तरीका ये है कि ये लोगो, ये नेम वगैरह, स्टिकर, अगर जहाँ जहाँ मेरा जार जा रहा है तो इसके साथ में मेरा स्टिकर भी जा रहा है, इसके जरिए मेरा एडवर्टीजमेंट हो जा रहा है। इसके अलावा मैंने होल्डिंग्स लगाए हुए हैं बहुत सारे, फेसबुक वगैरह पर पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, और प्लस वो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू इसका एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों नॉर्मली जो भी पानी प्लांट का 20 लीटर जार का प्लांट शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, वो कॉन्टैक्ट के हिसाब से काम करते हैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू, कि जिससे कॉन्टैक्ट है तो उन्होंने व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया या कॉन्टैक्ट पर उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, तो और ज़्यादा फैला अपने बिजनेस को फैलाने के लिए और ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या करना है, तो उसके हिसाब से देख सकते हो इन्होंने जार पे लगा रखा है। अब ये जार कहीं भी एक जगह जाएगा तो लोग देखेंगे स्वीट वाटर का लेबल लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर मुझे भी चाहिए होगा तो मैं कॉल करूँगा कि मुझे भी पानी चाहिए, आप प्लीज़ मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। तो ये एक तरीका है एडवर्टीजमेंट का। दूसरा तरीका कि इन्होंने जो गाड़ी रखा है अपना, इन्होंने टेम्पो रखा है 3-व्हीलर, तो उसके ऊपर भी इन्होंने होर्डिंग, उसके ऊपर भी आप होर्डिंग लगवा सकते हो ताकि आपका गाड़ी जहाँ जहाँ जाए आपका एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता चला जाए। तो ये एडवर्टीजमेंट का कुछ तरीका है जो आप अपना सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका है, इससे बहुत कम खर्चे में हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले सभी जगहों पे जाती है, इसके लिए हम लोग को अलग से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट कराना होता है तो हमें गाड़ियों पे होर्डिंग लगा के, स्पीकर्स लगा के गली गली घुमाना पड़ता है, अपने शहर टाउन में घुमाना पड़ता है। लेकिन इस बिज़नेस में आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि सिर्फ आपको अपना लेवल बनवाना है, अपना बैनर बनवाना है, क्योंकि आपका जार हर जगह जा रहा है और आपकी गाड़ी हर गली गली में घूम रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टीजमेंट हो जाता है, सिर्फ आपको बैनर लगाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां, कि इसके लिए स्टाफ रखना होता है। स्टाफ किस किस चीज़ के लिए रखना होता है और क्या क्या काम होता है स्टाफ से? स्टाफ मेन स्टाफ का काम है कि घरों तक, लोगों के घरों तक टाइम पे पहुंचाना, पानी पहुंचाना, क्योंकि नॉर्मली ये जो पानी लेते हैं हम लोगों का वो ऑफिशियल ग्रेड के लोग होते हैं, प्लस नॉर्मल भी होते हैं। मतलब हम लोगों का मकसद ये होता है कि 9 बजे से पहले हम लोग सभी के घरों तक पहुंचा देते हैं पानी। उसके बाद होटल्स वगैरह में थोड़ा लेट भी होता है तो चलता है, बट घरों में हम लोगों को जो ऑफिस वर्क में जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो उन लोगों के घर पर पहले हम लोग को पानी पहुँचाना पड़ता है। और स्टाफ का मेन काम होता है उसे पानी को भरना, फिल्टर करना, और उसके बाद फिर लोड करके टाइम टू टाइम घर पे पहुंचाना लोगों का। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे काम होता है, साफ़ सफाई करना, वाटर प्यूरीफाई करना, जार में भरना, लोड करना, फिर टाइम टू टाइम डिलीवर करके आना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम पर डिलीवर करना। तो इसके लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्टाफ स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा, शुरू से ही रखना पड़ेगा। 8वां पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कि आपको जार डिलीवर करने के लिए गाड़ी अपना खरीदना, मतलब स्टार्टिंग में गाड़ी अपना खरीदना अच्छा रहता है, या सेकेंड हैंड लेना अच्छा रहता है, या नया लेना अच्छा रहता है, या गाड़ी को रेंट पर लेने में फ़ायदा है। तो ये हम मनीष जी से जानते हैं कि आखिर गाड़ी हमें रेंट पर लेना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर हमें खुद का खरीद लेने में फ़ायदा है, किस तरीके से हम करें कि कम बजट में और ज़्यादा फ़ायदा हम कमा सकें। देखिए इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो मैंने पहले सेकेंड हैंड यानी कि रेंट पे गाड़ी लिया था। तो इसका हम लोग जैसा कि मालूम है, इस जार का जो कॉस्ट है बहुत ही कम है, 30 रुपया या 25 रुपया या 20 रुपया है, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो भाड़ा होता है, रेंट होता है उसका, वो ज़्यादा लग जा रहा था, इस वजह से उसमें हम लोग को बेनिफिट नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने ये अपना फिर न्यू अपना गाड़ी ले लिया। तो मनीष जी तो ज़्यादा बेहतर रहता है अपना। तो मनीष जी का कहना है कि रेंट पर लेने से बेहतर है कि आप सेकेंड हैंड ही ले, लेकिन अपना गाड़ी ले ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बचत होगा, ज़्यादा मार्जिन रहेगा आपका बिजनेस के अंदर। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट पे हमने बात किया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी हमने बात किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट 2 सवाल है जो मैं मनीष जी से पूछूंगा, उसमें से पहला एक सवाल है शुरू से लेकर अंत तक में, पेपर वर्क क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें बहुत ही ज़रूरी है, बनाना ही बनाना होता है, तो ये जानते हैं हम मनीष जी से। देखिए कोई भी बिज़नेस हम लोग अगर करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे हम लोग ट्रेड लाइसेंस के नाम से जानते हैं, तो वो बनाना कंपलसरी है। उसके अलावा हम लोगों को जो बिजली ले रहे हैं, बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, कॉमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, तो उसका जो प्रोसेस है और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मीन्स बिजली कनेक्शन हम लोग को रिक्वायर्ड है पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ है आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्टाफ रखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से आपको एक लाइसेंस लेना होता है, वो आप बनवा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मनीष जी से बचा हुआ है, और आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इसको जानने के लिए, कि आखिर इस प्लांट को लगाने के बाद
इन्वेस्टमेंट इतना करने के बाद हम बेनिफिट कितना कमा सकते हैं सीजन में और ऑफ सीजन में, तो चलिए ही जानते हैं। लास्ट सवाल है हमारा मनीष जी से। देखिए अगर ऑफ सीजन की बात करें हम लोग, तो ऑफ सीजन में हम लोग 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा, मीन्स बीस से ज़्यादा कमा सकते हैं हम लोग ऑफ सीजन में। बट अगर हम लोग सीजन की बात करें, जब इसका पिक पे होता है सीजन, तो उस समय हम लोग 50 हज़ार से भी ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं। मतलब ये आप जो भी बता रहे हैं, ये सारा खर्च वगैरह काट के बता रहे हैं, मतलब स्टाफ का खर्च और ये सारा काट जी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने मनीष जी का प्लांट विजिट किया, मनीष जी से बातचीत की, आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस बिज़नेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, और इतने इन्वेस्टमेंट में करके आप महीने का इतना कमा सकते हो। आप समझ लो कि अगर आप 10 लाख रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उतना तो होता नहीं है इसके अंदर, प्लांट तो आप लगाने का 3-3.5 लाख रुपये में पूरे अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, और समझ लो कि 3-3.5 लाख रुपये लगा के अगर आप 5 लाख भी लगा के, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आप 5 लाख भी लगा रहे हैं और 5 लाख लगा के अगर 30 से 40 हज़ार रुपये महीने भी अगर आपका बेनिफिट हो रहा है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ लो ये बहुत ही बेहतर बेनिफिट है, बहुत ही बेहतर आपका इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।